हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल में, टैकी शर्मा चैनल, TCHII शर्मा। आप जाके इसे सब्सक्राइब कर सकते हो। इसे मैं अभी HTML ट्यूटोरियल करा रहा हूँ इस चैनल पे। ये हमारा HTML ट्यूटोरियल का नॉर्मल लेसन है। इससे पहले हमने 8 लेसन कर चुका है। इसके पहले वाले लेसन में हमने HTML कलर part-1 के बारे में बात की, और इस लेक्चर में हम बात करेंगे HTML कलर part-2 के बारे में। part-1 में हमने RGB वैल्यू और hexadecimal वैल्यू किया है, और इसमें बात करेंगे हम HSL वैल्यू, RGBA वैल्यू और HSLA वैल्यू के बारे में। ये बेसिकली कलर का एक वैल्यू है, HTML कलर का। तो आप पिछला लेक्चर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो गाइज, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको पर्सनली आंसर दूंगा सारे क्वेश्चन का। तो गाइज, चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला पार्ट जो होगा ये है HSL वैल्यू। इसको हम पॉइंट बाय पॉइंट देखते हैं, फिर आपको हम एग्जांपल के थ्रू आपको हम समझा देंगे। पहला पार्ट है, इन HTML कलर कैन बी डिफाइंड बाय यूजिंग ह्यू, सेचुरेशन एंड लाइटनेस। HTML कलर को हम डिफाइन कर सकते हैं ह्यू, सेचुरेशन और लाइटनेस को यूज करके। दैट इज HSL वैल्यू इन द फॉर्म, ये फॉर्मूला है, इसी तरह से हम यूज करते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल में समझाऊंगा। ये जो रेड वाला है HSL, ह्यू, सेचुरेशन और लाइटनेस, इस तरह से हम यूज करते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ह्यू इज़ द डिग्री ऑन द कलर, मतलब ह्यू जो है डिफाइन करता है डिग्री ऑफ द कलर को। जैसे कि अगर जीरो ह्यू में हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे ह्यू है ये वाला, ये रेड वाला जो है, यहाँ पे ह्यू है, तो यहाँ पे हम डिग्री लिखेंगे 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक। नेक्स्ट है सेचुरेशन, ये सेकेंड वाला पार्ट जो है। ये सेचुरेशन इज अ परसेंटेज वैल्यू, सेचुरेशन एक परसेंटेज वैल्यू है जो कि 0% में से इसका सेड होता है, मतलब सेड ग्रे होता है, और 100% मीन्स फुल कलर होता है, जो हार्डकोर कलर होता है वो फुल कलर होता है। तो हम 0% से लेकर 100% तक वहाँ लिख सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। नेक्स्ट पार्ट है लाइटनेस इज आल्सो अ परसेंटेज वैल्यू। लाइटनेस में भी हम परसेंटेज वैल्यू का यूज करते हैं, जो कि यहाँ पे 0% का मीन्स होता है ब्लैक, 50% का मीन्स होता है हायर लाइट और डार्क, और 100% मीन्स का 100% का मतलब होता है वाइट। तो बेसिकली ये HSL वैल्यू के आप ये कुछ पॉइंट है, आप इसे नोटबुक में लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम एग्जांपल करेंगे, इसके लाइव एग्जांपल के साथ हम समझेंगे HSL वैल्यू क्या होता है। तो चलिए एग्जांपल पे चलते हैं। ये डॉक टाइप HTML, ये सिंटैक्स है बेसिकली लिखने का, तो आपको मैंने पहले समझाया हुआ, इंट्रो में भी समझाया हुआ है, तो आप वहाँ जाकर सारे लेक्चर देख लें, फिर ये लेक्चर देखें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये फिर बॉडी मैं आपको आगे समझाऊँगा क्यों यूज करता हूँ मैं, ठीक है। बेसिकली ये बॉडी के अंदर का जो पार्ट है, ये हमें ब्राउजर पे दिखता है, ये H1, 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 ये तीनों पार्ट ही हमें ब्राउजर पे दिखेगा, बाकी और कुछ नहीं दिखेगा, ये बाकी सिंटेक्स है। तो चलिए जिसको हम करते हैं नोटपैड प्लस प्लस, जो एडिटर हम यूज करते हैं उस पर करते हैं, इसको रन करके देखते हैं कि ये होता है कि नहीं रन। तो इसको हमने कॉपी किया, अब इसको सही कर लेते हैं क्योंकि ये समझेगा नहीं फिर हमारा ब्राउजर, इसको भी हम सही कर लेते हैं, इसको भी हम सही कर लेते हैं, और इसको भी हम सही कर लेते हैं। फिर हम रन करके देखेंगे कि ये वैल्यू काम कर रहा है, ये कोई एरर तो नहीं आ रहा, रन तो हो रहा है सही से। अब इसको हम सेव एज करते हैं। मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ, आप कहीं भी सेव कर सकते हैं, जहाँ भी आपका स्पेस है, कोई दिक्कत नहीं है। ये डेस्कटॉप पे मैं आसानी के लिए सेव कर रहा हूँ कि सीधा मैं आपको जो है दिखा सकूँ। ये मैं HSL वैल्यू कर रहा हूँ तो HSL.HTML लिखता हूँ, क्योंकि हम HTML कर रहे हैं तो HTML एक्सटेंशन ही रखेंगे। तो देखते हैं सेव करके कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, आई थिंक करना चाहिए। ये खुलेगा, ये खुल गया, ये देखो समझाया था टैकी शर्मा। ये वाला पार्ट है, पहला पार्ट है, 0% हमने क्या रखा, यू को रखा 0, ठीक है। हमने 100% रखा सेचुरेशन को, और 50% हमने रखा लाइटनेस को। तो ये 50% लाइटनेस है। अब अगर इसी को हम जो है यहाँ पे यूज करेंगे, मान लो यहाँ पे हम अगर 100% कर देते हैं, देखना और ज़्यादा रेड हो जाएगा। ये 100% करते हैं तो ये और ज़्यादा, इसमें ऑपेसिटी नहीं होगा। अगर इसको 100% करें तो ये और ज़्यादा वो हो जाएगा। ये देखो ये फुल लाइटनेस हो गया, इसलिए दिख नहीं रहा, मतलब ये हमारा वाइट बोर्ड है, हमने यहाँ पे जो लाइटनेस है उसको 100% कर दिया, और इसलिए दिख नहीं रहा ये। अभी इसको हम अगर 90% करके, इसको 80% करके देखते हैं कि क्या होता है।
इसको हमने 80% किया, इसको हमने सेव किया। अब देखते हैं करके कि ये कितना होता है। ये देखो ये हल्का लाइट हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा लाइटनेस हम इस पर दे दिए हैं, तो इसलिए ये थोड़ा सा रेड दिख रहा है। अब इसको अगर 0% हम कर दें तो ये पूरा लाइट हो जाएगा, पूरा रेड हो जाएगा ये 0% अगर इसको हम करते हैं तो। ये हमने सेव कर लिया, अब इसको देखते हैं 0% करके। ये देखो पूरा ब्लैक क्यों दिख रहा, ब्लैक इसलिए दिख रहा है क्योंकि जो है हमने 0% कर दिया है और बहुत ज़्यादा लाइट कर दिया है। तो बहुत ज़्यादा लाइट अगर बहुत 100% हम रेड रख लें और वाइट को साथ में ऐड करें तो ये ब्लैक हो ही जाएगा, तो इसलिए ये ब्लैक हो गया है। तो जो है अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो ये वाला पार्ट है बैकग्राउंड, अब यहाँ पे हम पहले 50% कर देते हैं फिर आपको अच्छे समझ में आएगा। 50% हम कर दिए यहाँ पर, ये अब आपको थोड़ा सही लाइट दिखेगा, ये रेड दिख रहा है, ठीक है ये फुल रेड दिख रहा है। अब इसको हम दूसरा पार्ट करते हैं इसका। ये देखो बैकग्राउंड कलर HSL वैल्यू 240 हमने ह्यू को रखा, 50% हमने सेचुरेशन को रखा, 100% हमने लाइटनेस को रखा। अब देखो HSL 240 ह्यू यहाँ क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हम 0 से लेकर 360 डिग्री तक, ये डिग्री है बेसिकली 0 डिग्री, 240 डिग्री, 147 डिग्री, ये डिग्री हम ह्यू में डिग्री को डिफाइन करते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे सेचुरेशन में भी परसेंटेज होता है और यहाँ पे लाइटनेस में भी परसेंटेज, जैसा हमने पढ़ा अभी पीछे के स्लाइड में। तो ये हम 240 डिग्री यूज कर रहे हैं, 50% 100% यूज कर रहे हैं। तो अगर इसको आप देखें यहाँ पे, तो ये वाला पार्ट ये देखो क्या हो गया, वाइट हो गया, ये पूरा वाइट हो गया। और ये वाइट क्यों हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पर 240 डिग्री ह्यू को रखा हुआ है, मतलब ह्यू जो है ज़्यादा हो गया। तो आपने देखा होगा एडिटर में भी ह्यू का यूज होता है, तो ह्यू ज़्यादा हो गया, इसलिए अगर यहाँ पे हम कम करें, देखते हैं कम करके कि क्या होता है, ठीक है। अगर ये हम 50 डिग्री कर दें तो तब देखते हैं कि वहाँ क्या होता है। एक सेकेंड, शायद ये काम नहीं कर रहा। इसको हम 50 करते हैं, सेव करते हैं, अब देखते हैं करके, ये फिर भी वाइट ही रह रहा है। अब इसको अगर हम 0 करके देखते हैं तो क्या होता है, ये देखते हैं 0 करके देखते हैं क्या होता है। पता है बेसिकली वाइट ये क्यों रह रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे लाइटनेस 100% यूज किया हुआ है, इसलिए बेसिकली ये इसको हम कोई भी वैल्यू यहाँ पे डाल रहे हैं, 0 भी डाल रहे हैं, कोई डाल रहे हैं, तो ये हो रहा है। अगर इसी को हम 50% करके देखते हैं लाइटनेस को, दैट्स वाई ये ऐसा हो रहा है। तो अगर इसको हम लाइट 50% करके देखते हैं, अब सेव करते हैं, ठीक है, तो अब देखते हैं अब क्या होता है। ये देखो चेंज हो गया ना, ये ब्राउन टाइप हो गया। तो यही होता है, हम लाइटनेस जितना हाई यूज करेंगे वो दिखेगा नहीं, क्योंकि हमारे आँख को नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा बैकग्राउंड हो वो है वो वाइट है, और हम यहाँ कलर यूज कर रहे हैं, ये रेड वाला कलर यूज कर रहे हैं, तो इसमें क्या है कि वाइट रेड करके पूरा जब ब्राइटनेस हाई कर देंगे, लाइटनेस हाई कर देंगे रेड कलर का, तो ये हमें वाइट ही दिखेगा, हमें यहाँ पे कुछ दिखेगा ही नहीं। तो बेसिकली इसलिए यहाँ पे ये हो रहा था। अब इसको हम देखते हैं, एक मिनट, इसको हम देखते हैं 100 करके तो क्या होता है, सॉरी 100 करके देखते हैं क्या होता है। ये देखो क्यों हो गया, हमने क्या किया कि ह्यू को 100% कर दिया और हमने इसको 50% ही रखा लाइटनेस को। तो बेसिकली ये सारा खेल लाइटनेस पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। अब तीसरा देखते हैं, यहाँ हमने 147 रखा हुआ है और 0% हमने ये भी रखा हुआ है, 147 ये डिग्री रखा हुआ है। अब क्योंकि यहाँ पे हमने 0% यूज किया हुआ है, जैसा कि हमने स्लाइड में पढ़ा अभी, ये हमने पढ़ा था कि लाइटनेस जब हम 0% रखेंगे तो इसका मतलब ब्लैक होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये ब्लैक है, क्योंकि हमने लाइटनेस 0% रखा है। मैंने आपको बोला कि यहाँ सारा खेल लाइटनेस पे है, ये एल HSL वैल्यू जो है ये एल 0%। अब यहाँ अगर हम 50% कर देते हैं, ये 50% कर देते हैं, तब देखना क्या होता है। अब इस पर हम जाते हैं और इसको हम रिफ्रेश करते हैं, ये देखो ये ग्रे हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पे स्लाइड में पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है, 0% मीन्स ब्लैक, 50% मीन्स हायर लाइट और डार्क, एंड 100% मीन्स वाइट, ठीक है। तो डार्क लाइट एक होता है उस टाइप का होता है। अब इसी को अगर हम 100% करते हैं तो ये देखते हैं क्या होता है, क्या हो सकता है इससे, हम सारा चीज़ करके देखेंगे।
ये देखो फिर से वाइट हो गया क्योंकि हमने इतना हाई लाइटनेस कर दिया, क्योंकि फिर ये जो बैकग्राउंड है हमारा और जो इसका लाइट है वो हमने इतना हाई कर दिया कि दोनों सही से वो दिख ही नहीं रहा है। मतलब यहाँ पे कलर है बट वो दिखेगा नहीं क्योंकि हमने लाइटनेस को हाई कर दिया। तो बेसिकली यहाँ भी सारा खेल लाइटनेस पे ही है, ये 100% 50%। अगर इसको हम फिर से 20% करके देखते हैं तो क्या होता है, इसको 20% हमने किया तो ये बेसिकली ये देखो थोड़ा ज़्यादा ग्रे हो गया, ये कुछ ज़्यादा ही मतलब ज़्यादा हाईएस्ट ग्रे हो गया। तो बेसिकली सारा खेल लाइटनेस पे, आप लाइटनेस जितना रखोगे उस पर डिपेंड करता है, ये कुछ भी रखो इस पर अगर इस चीज़ों पर 10% डिपेंड करता है तो सिर्फ लाइटनेस पे ये 90% डिपेंड करता है ये कलर। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया हो कि लाइटनेस का यूज किया है, HSL वैल्यू किसको कहते हैं, कैसे यूज कर लो। अब अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमने अगला RGBA वैल्यू किया हुआ है। अब RGBA वैल्यू का पहला पॉइंट पढ़ते हैं क्या है, कह रहा है RGBA कलर वैल्यू आर एन एक्सटेंशन ऑफ RGB, जो हमने part 1 में पढ़ा था। आप जाके part 1 में RGB पढ़ लें, हमने RGB पढ़ाया था तो आपको ये समझ में आएगा। बेसिकली क्या है, RGBA कलर वैल्यू आर एन एक्सटेंशन ऑफ RGBA कलर वैल्यू विथ एन अल्फा चैनल। मतलब हम यहाँ A यूज करते हैं, उसका मतलब होता है अल्फा। हमने वहाँ अल्फा यूज नहीं किया था, सिर्फ रेड ग्रीन ब्लू यूज किया था, यहाँ पे हम अल्फा एक्सटेंशन ऐड कर रहे हैं। अल्फा किस लिए ऐड करते हैं, देखो यहाँ लिखा हुआ है विच स्पेसिफाइज द ओपेसिटी ऑफ अ कलर। मतलब अल्फा जो है किसी कलर का ओपेसिटी को स्पेसिफाई करता है। अब सेकेंड पॉइंट बोल रहा है एन RGBA कलर वैल्यू स्पेसिफाइड विथ RGBA। देखो जैसे ये इसका फॉर्मूला है, ये वाला पार्ट इसका फॉर्मूला जो रेड पार्ट लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला है इसका। इस तरह से हम उसको लिखते हैं, जैसे हम HSL वैल्यू को लिख रहे थे उसी तरह इसको भी लिख रहे हैं। तीसरा पार्ट कह रहा है द अल्फा पैरामीटर इज ए नंबर बिटवीन जीरो। अब देखो अल्फा पैरामीटर जो हम यूज किए हैं, अगर हम वहाँ जीरो यूज करते हैं तो फुल्ली ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, अगर हम 100 यूज करेंगे तो कोई ट्रांसपेरेंसी उसमें नहीं रहेगी। तो बेसिकली ये यूज है। अब हम इसका एक मिनट एग्जांपल करके देखते हैं कि ये सारा जो हमने पॉइंट पढ़ा ये सच्ची में है या नहीं। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं, और इसको फिर वहाँ पे हम डाल के देखेंगे और इसको हम डिलीट कर देते हैं इस चीज़ को, ठीक है। अगर हम इसी में ऐड करेंगे तो हो सकता है कहीं गलती हो जाए, तो ये समझ में थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। तो इसको अब हम यहाँ पे ये कर देते हैं। अब क्या है कि इसको हम सही कर देते हैं ये वाला पार्ट, क्योंकि ये समझेगा नहीं ब्राउजर। ये डबल हो गया, अब इसको सही कर लेते हैं। अभी इस पार्ट को भी सही कर लेते हैं क्योंकि टेढ़ा वाला हो गया तो ये समझेगा नहीं, सीधा वाला समझता है ये कंप्यूटर है ना। ये हमारे बेसिकली ये एक सिंटेक्स होता है लिखने का, तो इसको जो सिंटेक्स हमें दिया गया है हम उसी में लिखेंगे, अपने मन से कोई सिंटेक्स नहीं जोड़ सकते क्योंकि ब्राउजर नहीं समझेगा फिर। तो ये जो हमारा ये पहला पार्ट है ये हमने क्या किया है, ये RGBA पार्ट है, तो हमने 255 रेड रखा है, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया हुआ है रेड जो होता है वो हाईएस्ट वैल्यू होता है, और जीरो 255 हाईएस्ट वैल्यू होता है, और जीरो यहाँ पे लोएस्ट वैल्यू होता है रेड में। उसी तरह यहाँ पे ग्रीन वैल्यू में भी, यहाँ पे भी जीरो से 256 यहाँ नहीं लिख सकते, फिर ब्राउजर नहीं समझेगा, क्योंकि 255 यहाँ हाईएस्ट वैल्यू, जैसा हमने रेड ग्रीन ब्लू वाला में पढ़ा था, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। यहाँ ग्रीन में भी यही होगा, यहाँ जीरो से लेके 255 तक हाईएस्ट वैल्यू 255 होता है, और हाईएस्ट 255 का मतलब पता है क्या होता है, 255 का मतलब होता है फुल्ली रेड, ठीक है, और जीरो का मतलब हो जाएगा ब्लैक हो जाएगा ये, ठीक है। और इसको उसी तरह इसको भी हम 255 ही रखेंगे हाईएस्ट वैल्यू, और जीरो के जीरो 255 के बीच का वैल्यू रखेंगे इसमें भी वही रखेंगे। और ये बेसिकली ओपेसिटी है, ये 0.02 हमने बताया था अभी आपको ये इस स्लाइड में कि जो है द अल्फा पैरामीटर इज नंबर बिटवीन फुल्ली, मतलब जहाँ अगर हम यहाँ पे जीरो यूज कर रहे हैं तो ये जीरो एड कर लें तो फुली ट्रांसपेरेंट है, ये 0.2% यूज करेंगे तो थोड़ा सा कम मतलब ट्रांसपेरेंट होगा, 100% करेंगे तो ये फुली ट्रांसपेरेंट नहीं, मतलब नहीं है, कहने का मतलब है नो ट्रांसपेरेंसी एट ऑल। तो इसको हम एक बारी सेव करके इसको हम रन करके देखते हैं कि होता क्या है आखिर इसका यूज क्या है। ये देखो यहाँ पे फुली ट्रांसपेरेंट हो गया, ये हेलो हेला वाला फुली ट्रांसपेरेंट हो गया क्योंकि हमने क्या किया है यहाँ पे जीरो ओपेसिटी रखा हुआ है, ये देखो जीरो ओपेसिटी रखा हुआ है हमने। उसी तरह अगर यहाँ पे हम जाएं सेकेंड वाले पार्ट पे इस पे तो ये थोड़ा सा कम ट्रांसपेरेंट है क्योंकि हमने यहाँ 0.2 रखा हुआ है ओपेसिटी को। अब देखो ये इसमें ज़रा सा भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो हमने क्या क्यों ट्रांसपेरेंसी नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे ओपेसिटी को
रखा हुआ है 100%, ये अल्फा को हमने 100% रखा हुआ है, और यहाँ अल्फा 0.2%, इसलिए थोड़ा सा कम ट्रांसपेरेंट, और जीरो यहाँ रखा हुआ है जिसका मतलब फुल्ली ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो बेसिकली यही है, बाकी ये तीनों चीज़ समझने के लिए आपको पिछला लेक्चर में जाना होगा, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो रहा है तो मैं एक एक चीज़ समझा नहीं सकता। तो आप अगर पिछला वीडियो RGB का वीडियो देखेंगे, रेड ग्रीन ब्लू वाला पार्ट कलर वैल्यू का, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। बाकी ये अल्फा वाला पार्ट मैंने आपको समझा दिया कैसे यूज करते हैं। अगर यहाँ पे 50% यूज करेंगे हम, ये देखो 50 यूज करेंगे, तो थोड़ा सा जो है थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी इसमें आ जाएगा। अब कैसे देखो, जैसे यहाँ पे ये करते हैं तो ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंटी यहाँ पे आ गया। उसी तरह यहाँ पे जो है मान लो कि ये 0.250% 100 किया था मैंने, तो 0.3 करके देखते हैं कि क्या होता है। ये सेव 0.3 करके देखते हैं क्या होता है। ये देखो ये इससे थोड़ा कम ट्रांसपेरेंट हो गया, समझ रहे हो बात को, इससे थोड़ा कम ट्रांसपेरेंट हो गया। ये चलिए यही यूज़ है ये RGBA अल्फा का। अब इसी में हम बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा अल्फा की यूज करते हैं। इसी में हम बात करेंगे जो है HSL वैल्यू के, HSL वैल्यू। अब इसमें क्या है, हमने ऊपर अभी पढ़ा है ह्यू सेचुरेशन और लाइटनेस। अब इसी में हम क्या कर रहे हैं, अल्फा को यूज कर रहे हैं, एक्स्ट्रा अल्फा यूज कर रहे हैं। जैसे पहला पॉइंट बोल रहा है HSL कलर वैल्यू आर एन एक्सटेंशन ऑफ HSL। HSL कलर वैल्यू HSL का एक्सटेंशन है विथ एन अल्फा चैनल। जैसा कि हमने रेड ग्रीन ब्लू में अल्फा लगा दिया था जो opacity को डिफाइन करता है, उसी तरह हमने ह्यू सेचुरेशन लाइटनेस में अल्फा यूज कर देंगे, ठीक है, उसके opacity को घटाने और बढ़ाने के लिए, उसके ट्रांसपेरेंसी को घटाने और बढ़ाने के लिए। तो बेसिकली वही चीज़ है ये जो सब हमने RGBA में पढ़ा हुआ है। तो ये HSL एक कलर वैल्यू स्पेसिफाइड विथ, ये हमारा जिसे वहाँ पे लिखते हैं ये हमारा फॉर्मूला होता है उसका, ये वाला लाइट रेड वाला पार्ट। अब ये नेक्स्ट पॉइंट इसका है द अल्फा पैरामीटर इज नंबर बिटवीन जीरो, जैसा मैंने अभी पहले बताया था आपको, फुल्ली ट्रांसपेरेंट और 100 नॉट ट्रांसपेरेंट। अब देखो, अब इसका हम एग्जाम्पल करते हैं, इसके एग्जाम्पल में क्या होता है। अब जैसे यहाँ पे इसको हम वही कर लेते हैं, इसी को हम लिख लेते हैं, क्योंकि फिर से वहाँ पे अगर हम डालेंगे तो इरर आ जाएगा और टाइम लग जाएगा फिर, तो ये हम वो कर देते हैं। आप उसी में ऐड कर सकते हो, ठीक है, कोई चक्कर नहीं है उसका। इसको हम सही कर लेते हैं एक मिनट, ताकि ब्राउज़र समझे हमारी बात को, हम जो लिखना चाह रहे हैं। ऐसे ये सिंटेक्स है, तो सिंटेक्स अगर गलत लिखोगे तो ब्राउज़र समझेगा नहीं, फिर आपको रिजल्ट देगा नहीं, फिर इरर आ जाएगा। तो इरर ये वीडियो हमें थोड़ा सा कम करना है, तो मैं इसको सही कर लेता हूँ। अब देखो यहाँ पे जैसा हमने पढ़ा था HSL में, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ह्यू का मतलब क्या होता है। ह्यू का मतलब ह्यू को हम 0 से 360 डिग्री तक लिख सकते हैं, ये बेसिकली डिग्री होता है। कि हमने 99 यहाँ यूज किया हुआ है डिग्री, ये हमने लाइटनेस यूज किया हुआ है, ये हमने लाइटनेस किया हुआ है, सॉरी यूज किया हुआ है, ये 100% हमने सारे में हमने सेचुरेशन 100% कर दिया है। और इसमें भी हम जो लाइटनेस है वो 64 कर रहे हैं, मैंने ये सब कुछ सेम रखा हुआ है। मैं इसमें चेंज किया हुआ है जीरो, मैंने पहले में जीरो opacity रखा हुआ है, ट्रांसपेरेंसी फुल्ली ट्रांसपेरेंट होगा, 0.2 थोड़ा कम ट्रांसपेरेंट होगा, 100 फुल ट्रांसपेरेंट नहीं होगा। तो इसको सेव करके देखते हैं एक मिनट कि ये होता आखिर क्या है। अब इसको अगर हम सेव करके देखेंगे, ये देखो ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट ये जो है ये फुली ट्रांसपेरेंट हो गया, ये थोड़ा